हेलो एवरीवन, बारिश बारिश बारिश, उसके साथ आपको गिफ्ट में मिलता है क्या? कीचड़ कीचड़ कीचड़। तो बारिश के मौसम में कैसे अपनी गाड़ी को मेंटेन किया जाए और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाएं जिसकी हेल्प से हमारी गाड़ी मेंटेन तो रहे ही, लेकिन हम खुद भी मेंटेन रहें, बिकॉज एक्सीडेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं बारिश के मौसम में। और वहां रेनकोट रखा हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि बारिश का मौसम एक्चुअली है। जोक्स अपार्ट, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकिंग, जो कि सबसे मेन और मेजर पार्ट प्ले करता है आपके बारिश के मौसम में। अब गाड़ी हेलीकॉप्टर तो है नहीं जो जमीन के ऊपर चलेगी, गाड़ी है तो जमीन में चलेगी। अब जब जमीन पे चल रही है तो आपकी गाड़ी में कीचड़ लगना स्वाभाविक बात है। तो अब होता क्या है बारिश के मौसम में कि आपकी गाड़ी जो है स्लिप होती है। जैसे हमारा पैर कभी कभी बार चलते हैं तो हमारा पैर कभी कभी पानी के ऊपर आ गया, हमारा पैर स्लिप कर जाता है। चप्पल हमारी अगर घिसी हुई रहती है तो अगर हम चलते हैं तो हमारी जब पैर जो है स्लिप कर जाता है। अब मैंने घिसना वर्ड का इस्तेमाल क्यों यूज किया, घिसना वर्ड मैंने क्यों यूज किया, वो आप मैंने इसलिए यूज किया कि आपको चेक करना है कि आपके टायर्स की कंडीशन क्या है। अब देखिए, अगर टायर्स लोगों के बहुत घिसे भी होंगे तो भी वो चेंज नहीं कराएंगे। आई नो एंड आई एग्री दिस कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी का टायर चेंज नहीं करवा रहे तो ध्यान दीजिएगा ये बात कि टर्निंग होते वक्त, अपनी गाड़ी को टर्न करते वक्त और अपनी गाड़ी में ब्रेक सप्लाई करने वक्त कभी भी हार्ड ब्रेकिंग का इस्तेमाल मत कीजिए, कभी भी जल्दबाजी में टर्न मत लीजिए। होता क्या है कि जब हम लोग के पास पुरानी वाली मैस्ट्रो गाड़ी थी तो मेरी सिस्टर ट्यूशन से आ रही थी, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने फ्रंट वाला ब्रेक अप्लाई किया था और फ्रंट वाला ब्रेक उन्होंने अप्लाई सिर्फ किया था तो पूरी गाड़ी उनकी स्लिप हुई थी। अब पहले मैस्ट्रो थी तो मैं वीडियो वगैरह ज्यादा बनाया नहीं करता था, मतलब वीडियो ही नहीं बनाता, मैंने इसी से वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने आपको मैं प्रूफ वगैरह दिखाता, आप देख सकते हैं स्क्रीन, आपको मेरी मैस्ट्रो दिख रही होगी, वो मैस्ट्रो मैंने जब बेची थी, उनके आपको बायर भी आपको दिख रहे होंगे फोटो में। तो ये साइड पूरा स्क्रैच आ चुका था गाड़ी में, पूरा गाड़ी में स्क्रैच स्क्रैच भरे हुए थे और उन्होंने ये फ्रंट वाला जो ब्रेक उन्होंने अप्लाई किया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आपको फ्रंट वाला ब्रेक अप्लाई करना है, आप हल्के हाथों से दोनों अप्लाई कीजिए। अब देखिए, हल्के हाथों का मतलब ये है कि ब्रेक आपके एडजस्टेड होने चाहिए, ज्यादा टाइट होंगे तो प्रॉब्लम होगी, ज्यादा लूज होंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपके ब्रेक आपके प्रैक्टिकली के अनुसार, यानी कि आपके प्रैक्टिकलिटी के अनुसार आपके ब्रेक जो है वो एडजस्टेड होने चाहिए। सेकेंड चीज, अब देखिए गाड़ी रोड में चल रही है, पानी के अंदर जा रही है, उसमें मिट्टी चिपक रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पार्ट्स का, क्योंकि पार्ट्स में लग सकती है जंग। अब जब जंग लग सकती है तो उस जंग को रिमूव करना हमारे लिए बहुत एक टास्क और एक चुनौती चुनौती वाली बात हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी में ग्रीस लगा के रखनी है। अब देखिए, ग्रीस का भी एक टाइम पीरियड है। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई आप लोग ग्रीस लगाओ आगे लगा के छोड़ दो, बारिश मौसम का फुर्स हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा जब आप अपनी गाड़ी में ग्रीस अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कि फ्रंट वाले ब्रेक में, ये है आपका फ्रंट वाला ब्रेक और आपने यहां पास में अपनी ग्रीस अप्लाई कर दी। अब आपने जब ग्रीस अप्लाई कर, आपने बोला कि एकदम नई ग्रीस है, आप 2 दिन चलाएंगे 3 दिन चलाएंगे तो कीचड़ जो है, मिट्टी जो है इसमें आके चिपकेगी, ठीक है ना। अब जब मिट्टी चिपक रही तो आप ग्रीस को लगा के नहीं सकते, आपको ग्रीस को चेंज करना होगा। ग्रीस कैसे चेंज करेंगे, पहले पानी का प्रेशर दीजिए यहाँ पे, प्रेशर से साफ करने के बाद कपड़े से पोंछिए और कपड़े से पोंछने के बाद फिर दोबारा नई ग्रीस अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये थोड़ा कष्टकारी लग रहा है तो आप ट्यूब की हेल्प से, जिसको हम लोग कुप्पी भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से आप सिर्फ ऑयल पोर कर सकते हैं। ऑयल पोर करने के बाद 2-3 दिन यूज कीजिए, फिर पानी डालिए, फिर नया ऑयल पोर कीजिए। बारिश के मौसम में ये आपको मेंटेनेंस अपनी गाड़ी में करनी ही पड़ेगी। अभी मैंने देखिए 4 दिन पहले मैंने इसमें तेल डाला था, अभी मिट्टी चिपक चुकी है, मैं फिर इसमें पानी पानी से प्रेशर वॉश वॉश करके हल्का सा कपड़े से पोंछ के मैंने फिर इसमें नया ऑयल डाल दूंगा। तो आपको ये चीज जरूर से जरूर मेंटेन करनी है, यानी कि ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि जब आपकी गाड़ी जो है रोड में चल रही है, कीचड़ चिपक ही क्या है, तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि आपकी गाड़ी अपनी वॉश कर ले 3 दिन में 4 दिन में। एक नॉर्मल एक बकेट बाल्टी, एक बकेट पानी लीजिए और एक बकेट पानी में ही, पानी से ही आप अपनी गाड़ी को वॉश कीजिए मग बाय मग, यानी कि एक बकेट पानी ले लीजिए और मग्घा से मग्घा नीचे की तरफ, ऊपर हमको धोने की जरूरत है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बारिश जो ऊपर है, जो भगवान जी हमारी गाड़ी को धो दे रहे हैं, नीचे से गंदी हो रही है। तो आपको क्या करना है, एक मग्घा पानी लेके आपको सीधे सीधे मार देना, एक बकेट में काम हो जाएगा। मिट्टी गीली है तब धोएंगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपके पास डेली का टाइम नहीं तो हफ्ते में एक बार का रूटीन सेट कर लीजिए कि अगर देखिए क्या है, हफ्ते में अगर एक बार करेंगे आप तो क्या होता है कि आपकी मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाएगी, चिपक जाएगी, तब आपको बकेट से काम नहीं चलेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी अपनी गाड़ी को हार्ड प्रेशर वॉश करना पड़ेगा, यानी कि अपनी गाड़ी को प्रेशर से वॉश करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी गाड़ी जो है वो साफ होगी।
नेक्स्ट चीज बात करते हैं, नेक्स्ट ये है कि आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ओके होनी चाहिए। क्यों ओके होनी चाहिए? देखिए, बारिश का मौसम रहता है तो जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो यहाँ पास के जो ये वाला जो मिरर है इसमें हो जाता है पानी। अब जब इसमें पानी भर जाता है तो आपको दिखेगा नहीं कि पीछे से कौन आपको इंडिकेटर दे रहा है, कौन आपको क्या दे रहा है, कौन आपको क्या नहीं दे रहा है। तो आपके जो हॉर्न है, आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो परफेक्ट वर्क करने चाहिए, उनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हॉर्न एकदम परफेक्ट काम करना चाहिए, आपके जो इंडिकेटर्स हैं और आपकी जो लाइट है वो परफेक्ट काम करनी चाहिए बारिश के मौसम में, ये ध्यान दीजिए। हाँ, आप जो जो लोग प्रो ड्राइवर्स हैं वो लोग ये सब नहीं करने वाले, वो लोग तो जैसे अपनी गाड़ी खड़े होंगे पता है क्योंकि रूट क्या है। अब देखिए, ये रूट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको चेंज करवाना ही, सबका अपना अपना एक बजट होता है, सबका अपना अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि मैं अभी चेंज कराऊंगा, अभी मेरे को पेमेंट मिलनी है, अभी मैं इस महीने थोड़ी सी किल्लत चल रही, मैं सबका समझता हूं, ठीक है ना। तो आप अपनी अपनी रूट चेक कीजिए कि आपके रूट में कितना ट्रैफिक मिलता है आपको, आपके रूट में आपको कितने प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, उस हिसाब से अपनी गाड़ी में काम करवाइए। ये नहीं मैं कह रहा हूं आपसे कि, या फिर आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि अभी आप चेंज करवाइए, तो रूट डिसाइड कीजिए, रूट देखिए आपकी गाड़ी कहां कहां चलती है, और आपके पास दो गाड़ियां हैं अगर तो गाड़ी इंटरचेंज कर लीजिए, यानी कि अगर आपकी गाड़ी जो ज्यादा अच्छी है उसको यूज कर लीजिए, जिससे प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फिर इस गाड़ी को बाद में यूज कर लीजिएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी गाड़ी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी गाड़ी ज्यादा भीगे नहीं बारिश में, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा पानी पड़ने से आपका पेंट जो है वो डैमेज होता है। तो ध्यान रखिए कि आपकी गाड़ी ज्यादा भीगे नहीं। अब भाई बारिश का मौसम है, गाड़ी तो खड़ी ही रहेगी भाई। अगर मान लीजिए किसी के पार्किंग में आपको रूफ अवेलेबल नहीं होती है तो क्या आपको गाड़ी बारिश में खड़ी करनी पड़ेगी? जी हाँ, वो तो खड़ी करनी पड़ेगी। देखिए, ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी में अगर आपको टाइम मिले तो हल्की सी ऑयलिंग वगैरह, यानी कि पॉलिश वगैरह अपनी गाड़ी में थोड़ा थोड़ा ऊपर से मार दीजिए, हल्की मार के कपड़ा मार दीजिए बस। ज्यादा बारिश आपको चमकाना नहीं है, इसको दुल्हन नहीं बनाना है, हल्का सा आपको पॉलिश का यूज कर लीजिए अपनी गाड़ी। इससे क्या होगा कि जब ऊपर के पानी पड़ेगा तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी का पॉलिश के ऊपर पानी पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपका पेंट जो पेंट है वो उसमें डैमेज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपकी एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए एयर फिल्टर क्या है कि आपका डस्ट खा जाएगा। अब डस्ट कैसे खाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपकी गाड़ी में एयर फिल्टर लगा हुआ है, अब जब जो एयर को जो एग्जॉस्ट कर रहा है तो एयर में मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर है वो एयर फिल्टर के अंदर जा रहा है। अब जब एयर फिल्टर के अंदर जा रहा है, जो जो डस्ट पहले से है वो डस्ट में नमी आ गई, वो डस्ट में मॉइस्चर आ गया। अब जो वो डस्ट है वो थोड़ी सी मोटी हो गई, जो डस्ट है वो थोड़ी सी मोटी हो गई बिकॉज से पानी भर गया है। तो उसको क्या करना है, आपको जो डस्ट आपकी जो मोटी हो चुकी है, जो एयर फिल्टर पर खराब हो चुका है, उसको एक बार ओपन करवाइए, क्लीन करवाइए और फिर लगा सकते हैं। मतलब ये आप सोच सकते हैं कि 100, 200, 300 किलोमीटर में आपको एयर फिल्टर अपना ओपन करवाना है, साफ करवाना है और लगवा देना है। अब इन जैसी गाड़ियों क्या, जो ये विस्कस टाइप एयर फिल्टर, यानी कि आपकी गाड़ी थोड़ा आपका जो इसमें जो एयर फिल्टर आता है वो थोड़ा सा ऑयल बेस्ड लुब्रिकेट, ऑयल बेस्ड एयर फिल्टर आता है आपके में। तो आप अगर एयर फिल्टर निकालना है और जो मोटे कण हैं, जो खराब कण हैं, जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, उनको आपको हल्के हल्के कपड़े से पोंछ देना है। अब मैं जानता हूं कि कपड़े से पोंछ सकते बिकॉज ऑयल फूट जाएगा, आई नो दैट, बट आप चेंज भी तो नहीं करवा सकते ना, कि हम बार बार थोड़ी चेंज करें, हमारे पास यही काम थोड़ी ना कि हम बार बार एयर फिल्टर चेंज करें। तो हमें कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा, उसका जुगाड़ ये है कि अच्छे साफ कपड़े से हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा पोंछिए, ऐसे टैप कर करके। जैसे कैसे पोंछना है, जैसे मान लीजिए एयर फिल्टर है, एक टैप 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 करके आपको पोंछना है, और पोंछने के बाद फिर से एयर फिल्टर आप इंसर्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्या ध्यान में आता है आपके, मतलब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, वो है आपका की फॉब वाला एरिया। की फॉब वाले एरिया में ध्यान दीजिएगा कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी चाबी जो है फुली ल्यूब्रिकेटेड होनी चाहिए, वरना ये चाबी आपकी कभी भी इमरजेंसी फंस सकती है और आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि आपकी गाड़ी कभी चाबी निकल नहीं रही है, कभी चाबी घुस नहीं रही है, कभी आपका इग्निशन टर्न ऑन नहीं हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान जरूर से जरूर देना है। बाकी आपकी गाड़ी गुड टू गो है, अपनी गाड़ी में ग्रीसिंग ऑयलिंग करते रहिए, आपकी गाड़ी परफेक्ट काम करती रहेगी। फ्यूल कैप का जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि फ्यूल कैप कहीं ओपन ना हो, वरना पानी चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरे जो ये दिए गए टिप्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ छोड़ दिया होगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।